नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी और आजादी के अमृत महोत्सव पर हम आपको सुना रहे हैं योद्धा सीरीज में कहानी बटालिक का परमवीर, जो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की कहानी है, जिन्हें 1999 के करगिल युद्ध में परमवीर चक्र मिला था। मैं हूं मंजीत ठाकुर। कश्मीर के बटालिक सेक्टर में जिधर निगाहें जाती थीं, बस भूरे पहाड़ ही नजर आते थे। आसमान बादलों से भरा था। कभी खूब घने काले भूरे बादल घिराते, तो कभी धुनी हुई रुई जैसे सफेद बुर्राक मेघ उन चोटियों को चारों तरफ से घेर लेते थे। जुलाई का महीना था और बरसात के बीच में धूप खिलकर निकलती तो हवा में मौजूद ठंडक के बावजूद चमड़ी को जलाने लगती थी। उसी बटालिक सेक्टर में एक खंदक में बैठे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे अपने कैमोफ्लेज वाले वर्दी की वजह से आसपास के भूरे रंग की मिट्टी से घुल मिल गए थे। बहुत गौर से देखा जाता तभी पता लगता कि वहां कोई मौजूद है। तभी हवा में सू की आवाज हुई और वे तकरीबन बैगनी आसमान को रोशनी से भर देने वाले हविट्ज़र यानी बफुर्स तोप से दागे गए गोली को ताकने लगे थे। आधे सेकंड में जोरदार धमाके के बाद चट्टानों के बिखरने की आवाज आई थी। लेफ्टिनेंट पांडे के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ाई थी और उसकी वजह से उनको खुजली भी हो रही थी। हेलमेट के नीचे बालों के बहते पसीने की गंध आ रही थी और हेलमेट का सिरा उनके सिर को गड़ रहा था। उस हेलमेट की छुअन ठंडी थी पर सुरक्षा का भरोसा जगाती थी। दुश्मनों की निगाह से बचने के लिए कैमोफ्लेज के तौर पर मनोज ने काले जैसा कुछ चेहरे पर पोत रखा था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे देखने में काफी हैंडसम थे। तराशा हुआ चेहरा, तीखी नाक, भरे भरे होंठ, मजबूत ठोड़ी, नींद से बोझिल लाल हो रही आंखें लिए लेफ्टिनेंट मनोज ने अपने चेहरे पर हाथ फेरी तो खुरदरी दाढ़ी उनको चुभने लगी थी। दाढ़ी के बारे में सोचते ही उन्हें आज से कोई 6 साल पहले की एक घटना याद आने लगी थी। तब वो बेहद दुबले पतले थे, जिसने कुछ ही दिन पहले 12वीं की परीक्षा पास की थी और NDA के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने इंटरव्यू के लिए गए थे। इंटरव्यू की सारी तैयारियों के बीच उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि बोर्ड के सामने वो गलत अंग्रेजी न बोल जाए। हिंदी पट्टी के लड़कों को अपनी अंग्रेजी और उसके ग्रामर पर जरा कम ही भरोसा होता है, पर मनोज को खुद पर भरोसा भी था। आखिर वो अपने राज्य उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन एनसीसी कैडेट भी तो रहे थे। बोर्ड के एक मेंबर ने इंटरव्यू में सख्त और रूखे अंदाज में एक बेहद पुराने किस्म का सवाल पूछा था, आप आर्मी में शामिल क्यों होना चाहते हैं? सवाल पूछने के बाद बोर्ड मेंबर उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे थे। लड़के ने भी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। जवाब देने के बाद मनोज ने उम्मीद लगाई थी कि उनकी अंग्रेजी में ग्रामर की गलती ना हो। सवाल पूछने वाले अफसर ने बोर्ड के बाकी मेंबरों की तरफ देखा तो सभी मुस्कुरा दिए थे। तब भी मनोज पांडे ने घबराहट में अपने चेहरे पर हाथ फेरी थी और अभी खंदक में पड़े लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ठीक वैसे ही चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपनी यादों से वापस आए तो उनके मन में पहला ख्याल आया था, तब मेरी दाढ़ी बहुत नरम थी। लेकिन इस वक्त उनके सख्त हाथों में इंसास राइफल थी और वे खंदक में बिना हिले डुले चुपचाप बैठे हुए सतर्क निगाहों से आगे देख रहे थे। उनकी कमर में बेल्ट से नेपाली कटार यानी खुकरी लटक रही थी। खुकरी एक ऐसा कटार होता है जिसकी धार बहुत तेज होती है और बीच में वो थोड़ी मुड़ी हुई होती है। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को लखनऊ में रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ने खुकरी चलाना सिखाते हुए कहा था, क्लोज और 1-to-1 फाइट में खुकरी बहुत काम का है। ये छोटा है लेकिन इसको देखते ही एनिमी डर जाता है। फिर ट्रेनर ने मनोज पांडे को एक ही झटके में सफाई से गला काटना सिखाया था। फुर्ती से मारो, मजबूत और जोरदार हमला, और इस तरह खुकरी मारो, फिर उसको दाहिने ले जाओ और फिर बाएं, इससे दुश्मन का गला कट जाएगा, लेकिन जब मारो पूरी ताकत से मारो और उससे भी ज्यादा फुर्ती से। मनोज पांडे ने कोई 2 साल पहले जब गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन की थी तब खुकरी चलाने की उनकी प्रैक्टिस के तौर पर उनसे एक बकरा कटवाया गया था। उस वक्त उनका हाथ कांप गया था।
बकरे के खून के छींटे घबराए हुए मनोज पांडे के चेहरे पर झलक आए थे। उस वक्त तो मनोज पांडे ने यह परीक्षा दे दी थी, लेकिन एक बेकसूर बकरे की इस तरह से जान लेकर वो सीधे कमरे में चले गए थे कांपते हुए। बकरे को इस तरह जानबूझकर मारना भी उनको एक कत्ल ही लगा था। इसके बाद वो न जाने कितनी बार नहाए, दर्जनों बार हाथ धोए, आखिर मांस और शराब को हाथ भी नहीं लगाने वाला शख्स एक बकरे को मार बैठा था। लेकिन वो वक्त कुछ और था और आज की हकीकत कुछ और थी। पिछले 2 महीनों में लेफ्टिनेंट पांडे जान नहीं लेने वाले अपने इस मानवीय व्यवहार से काफी आगे निकल गए थे। लेफ्टिनेंट पांडे को अब तेज हमले करना, दुश्मन को छकाने के नए नए तरीके और उनको ढेर कर देने की तरकीबें खोजनी आ गई थी। जब से करगिल में लड़ाई शुरू हुई थी, इन 2 महीनों में वे कड़कड़ाती सर्दी में पहाड़ों की चढ़ाई कर चुके थे और बर्फ और ओलों के साथ होती बारिश में रास्ते पार कर चुके थे। उंगलियां ठंड में जम न जाएं, इसके लिए वे अपने ऊनी मोजों को दस्तानों की तरह पहनते थे। आर्मी की कड़ी ट्रेनिंग ने मनोज की शख्सियत बदल दी थी। बकरे के कटने पर भी खुद को गुनाहगार समझने वाले पांडे अब एक शानदार निशानेबाज थे। पिछले 2 महीनों में कई दफा वे बेहद नजदीक से दुश्मनों को पॉइंट ब्लैंक पर सिर और सीने में गोलियां दाग चुके थे और उनको अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देख चुके थे। फौज का नियम ही है, अगर तुमने अपने दुश्मन को मौत के घाट नहीं उतारा तो वो तुम्हें मार देगा। और इस वक्त अपनी खंदक में बैठे लेफ्टिनेंट मनोज ने पहलू बदला तो उन्हें अपने ही कपड़ों का वजन मालूम पड़ने लगा था। करगिल के इस इलाके की धूल और रेत उनके जूतों में घुस गए थे और अंगूठे के पास काट रहे थे। उनकी रेजिमेंट के लोग आसपास जगह जगह बिखरे हुए थे, सबके सब थकावट से चूर, मिट्टी और रेत से सने हुए, लेकिन उत्साह से भरे हुए। बटाले के उस इलाके में जैसे ही अंधेरे ने अपनी चादर फैलाई और इस चादर ने आसपास की सांप जैसी बलखाती नदी, उसके आसपास फैली थोड़ी बहुत हरियाली और आसपास के हैरान कर देने वाले खूबसूरत नजारों को भी ढक लिया था, लेफ्टिनेंट पांडे यही चाहते भी थे। दिन की रोशनी में इस इलाके में आगे बढ़ना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। दिन में उनके जज्बात उनके संकल्प के आड़े आने लगते थे, लेकिन आज की रात उन्हें ठंडे दिमाग और जिंदा रहने के वाइल्ड इंस्टिंक्ट की जरूरत थी। उस गहरे अंधेरे में सिर्फ झेंगुरों और कहीं पीछे बहते गणसक नाले की पानी की आवाज आ रही थी। उनके ठीक पीछे एक चढ़ाई थी, इसको खालूबर कहते थे। इसकी ऊंचाई कोई 5,000 मीटर होगी। उनको और उनकी यूनिट को आज रात इसी पर चढ़ाई करनी थी। उनका असाइनमेंट था बिना नजर में आए उस पर चढ़ना, वहां पहुंचकर दुश्मन को चौंका देना और सुबह होने से पहले ही इसकी चोटी पर बने पाकिस्तानी बंकरों को तबाह करना। इसी चोटी पर छिपकर बैठे पाकिस्तानी सैनिक हिंदुस्तानी फौज को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। चढ़ाई के लिए पैर जमाते हुए लेफ्टिनेंट पांडे को याद आया, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, कुछ मंजिलें इतनी कीमती होती हैं कि उनको पाने की कोशिश में मिली नाकामी में भी गौरव होता है। लेफ्टिनेंट पांडे ने साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया और अपनी राइफल लेकर आगे बढ़ने लगे थे। पिछले 1 महीने से जब से पाकिस्तानी घुसपैठिए करगिल सेक्टर में घुस आए थे, लेफ्टिनेंट पांडे लगातार किसी न किसी मिशन पर थे। हर रोज एक ही काम था, अंधेरा घिरते ही पहाड़ियों के साथ साथ लगातार चलते रहना, दिन निकलने से पहले छुपने के लिए माकूल जगह तलाश लेना, कंधों पर स्लीपिंग बैग, गोलियां और हथियार। कई बार ताजे पानी के नाले पास में बह रहे होते पर दुश्मन सिर के ऊपर बंदूक ताने बैठा हो तो पानी पीने के लिए निकलने में भी खतरा होता। ऐसे में बर्फ के चूरे से वे लोग अपने बोतलें भर लेते थे और प्यास लगने पर उन्हें ही चबाते। कुछ देर की चढ़ाई के बाद यूनिट एक जगह रुक गई थी। लेफ्टिनेंट पांडे को बहुत जोर की भूख लगाई थी, पर इस वक्त उनका ध्यान अपनी भूख की बजाय कहीं और था। थोड़ी देर की आराम के बाद सब लोग फिर से चल पड़े थे। लगातार 9 घंटे की इस चढ़ाई के बाद शरीर पर जैकेट भारी लगने लगा था और अधिकतर लोगों ने अपनी जैकेटें उतारकर बैग में ठूंस ली थी। लेफ्टिनेंट पांडे ने अपने बैग से एक जुराब निकालकर उसने राइफल के ब्रीच ब्लॉक पर लपेट लिया था ताकि वो गर्म रह सके और ठंड से जाम न हो जाए।
बीच लड़ाई में अगर विपन जाम हो जाए तो जिंदगी और मौत के बीच धागे भर काफी फर्क नहीं पड़ता। पिछले मिशन में उनकी यूनिट के एक जवान के राइफल का ब्रीच ब्लॉक जाम हो गया था और उसे जल्दी में अपना फ्यूल टैबलेट जलाकर उसे गरमाना पड़ा। लेफ्टिनेंट पांडे आज कुछ वैसा नहीं होने देना चाहते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था पारा गोते लगाने लगा और इस वक्त तापमान शून्य से नीचे लुढ़क गया था, लेकिन चढ़ाई इतनी मुश्किल थी कि जवानों को पसीना आ गया। बिना कोई आवाज किए पूरी यूनिट आगे बढ़ रही थी। अंधेरे में उनकी उंगलियां कोई दरार तलाशती, उनमें उंगलियां फंसाती और खुद को ऊपर खींच लेती। चढ़ाई धीमी थी और इसमें शरीर के साथ साथ दिमाग भी थकने लगा था। इलाका तो दुश्वार था ही, खराब मौसम में साय साय करके चलती तेज हवा, नस्तर चुभाती ठंड के साथ ये डर भी था कि कहीं अगली चट्टान की आड़ में बने किसी बंकर में दुश्मन न छिपा बैठा हो। जवानों की इस लगातार चढ़ाई को शुरू हुए 14 घंटे बीत गए थे। पिछले 24 घंटों में उन्होंने पलकें तक नहीं झपकाई थी। ओलों की बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड की चुभन अब हड्डियों तक घुसने लगी थी। इस मुश्किल में वे 2 बार रास्ता भटक चुके थे। जब तक उन्हें धुंधलके में चोटी दिखी तब तक सुबह हो चुकी थी। अब स्थिति यह थी कि उजाले में दुश्मन को उनकी पोजीशन की भनक लग सकती थी, लेकिन लेफ्टिनेंट पांडे ने इरादा कर लिया था कि वो अपना काम पूरा किए बिना वापस नहीं लौटने वाले। लेफ्टिनेंट पांडे ने अपने लिए बाधा बन रहे खराब मौसम को अपनी ढाल बनाने का फैसला किया। अब वे दुश्मन के बंकरों पर हमला करने का मंसूबा बना रहे थे। उनकी यूनिट के 2 साथी भी समझ चुके थे कि लेफ्टिनेंट पांडे जो ठान लेते हैं वो पूरा करके ही दम लेते हैं। उनके साथियों को याद है आज से कोई 1 महीना पहले जब करगिल युद्ध को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके थे, एक टन खड्डे में 4 हिंदुस्तानी जवानों के पार्थिव शरीर पड़े हुए थे। ये शहीद जवान उस पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा थे जो पाकिस्तानी घुसपैठियों की टोह लेने निकला था। उस वक्त भारतीय सेना ने दुश्मन के घुसपैठियों की गिनती बहुत कम आंकी थी। इस गश्ती दल के लोग इस बात से अनजान थे कि खड्डे के दोनों तरफ वे पाकिस्तानियों की निगाह में आ चुके थे और एक खतरनाक जाल में फंस चुके थे। पाकिस्तानियों की तरफ से अचानक हुई गोलीबारी में कई जवान शहीद हुए थे और उनमें 4 के शव 10 दिनों से खड्डे में थे। भारत की तरफ से उन शवों को हासिल करने की कोई भी हरकत होती थी तो पाकिस्तानी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते थे। और तब लेफ्टिनेंट पांडे ने उन डेड बॉडीज को लाने के लिए अपनी पेशकश की थी। उनका मानना था कि देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान करने वाले इन सपूतों की देह तिरंगे में लिपटकर वापस आनी चाहिए। अपने कुछ लोगों के साथ इस मिशन पर वो रेंगते हुए गए थे और गोलियों की बौछार के बीच चारों शहीदों की डेड बॉडीज लेकर आए थे। एक बार फिर 4 जुलाई की सुबह वक्त आ गया था कि लेफ्टिनेंट पांडे अपने लोगों को निराश न होने दें। वे और उनकी यूनिट के लोग आगे बढ़ने की सोच पाते कि ऊपर से आ रही गोलियों की एक बौछार से आसमान जगमगा गया। वैसे तो हिंदुस्तानी फौज ने पूरे हाईवे के किनारे ऐसी बंदूकें तैनात कर रखी थी, इनसे 1 बार में 20,000 राउंड फायर होते हैं, और उसी की कवर फायर की मदद से वे बिना दुश्मन की निगाह में आए इस जगह तक पहुंच पाए थे। लेकिन इस गोलीबारी में जब उनकी यूनिट का एक फौजी दर्द से कराह कर गिर गया तो लेफ्टिनेंट पांडे चिल्लाए, आड़ ले लो, टेक पोजीशन, से दुश्मन की गोलियां हैं। ऊपर से पाकिस्तानी मशीन गन और बंदूकों से उन पर सटीक निशाने लगा रहे थे। लेफ्टिनेंट पांडे के कई फौजी जख्मी होकर गिर गए। लेफ्टिनेंट पांडे ने एक पत्थर की आड़ से झांका, उनके चारों तरफ मौत का तबाही का मंजर था। उनके जवानों की लाशें, खून और छत क्षत अंग इधर उधर फैल गए थे। लेफ्टिनेंट पांडे गुस्से से दांत पीसने लगे थे। अब दुश्मन पर दिन की रोशनी में इसी वक्त हमला करना था। इसी फैसले के साथ ही सारी दुविधा दूर हो गई थी। दृढ़ संकल्प पाकर उनकी आंखों में बैठ गया, जबड़े कस गए। बाहर की हवा में मौजूद हड्डियों में घुसने वाली ठंड की जगह धमनियों में उबाल मारते हुए गर्म खून ने ले ली थी। जैसे ही एक सनसनाती हुई गोली उनके पास से आग छोड़ती हुई गुजरी और
जाकर पीछे चट्टानों में धसे हुए उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा सख्त हो गया। लेफ्टिनेंट पांडे ने अपने साथियों को अपने पीछे आने के लिए ललकारा और गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ने लगे थे। उनके आदेश पर हर गोरखा सिपाही अपनी बंदूकें ताने और कमर में खुकरी टांगे आगे बढ़ने लगा था। लाइन में सबसे आगे बढ़ते हुए लेफ्टिनेंट पांडे अब तकरीबन दौड़ने लगे थे। वे दुश्मन के पहले बंकर की तरफ लपके। बंकर की छत चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। लेफ्टिनेंट पांडे को उस बंकर में पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के दो जवानों की परछाएं दिखी थी। लेफ्टिनेंट पांडे को अचानक रेजिमेंट में अपने हाथों काटे उस बकरे की याद आ गई थी। उस घटना के बाद कभी खुकरी का इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई थी और आज उनका हाथ खुद ब खुद अपनी बेल्ट की तरफ गया। उन्होंने खुकरी निकाल ली थी। खतरनाक धार वाली खुकरी को लिए वे बंकर में घुस गए और दुश्मनों पर टूट पड़े। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोबारा फिर दोबारा। इस अचानक हमले से पाकिस्तानी फौजी हैरान रह गए थे। उन्हें अपने कटे हुए गले से छूटते खून के फव्वारों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फटी निगाहों से लेफ्टिनेंट पांडे की तरफ देखते हुए दोनों ढेर हो गए थे। इसके बाद नंबर आया दूसरे बंकर का। चोटी की थोड़ी पैर टिकाने लायक उबड़ खाबड़ सतह पर खूनी हाथापाई शुरू हो गई थी। जय महाकाली, आयो गोरखाली। इस नारे से उस सर्द सुबह की फिजा गूंज उठी थी। लड़ाई जोरों पर थी कि अचानक लेफ्टिनेंट पांडे के चेहरे पर शिकन उभर आई। दुश्मन की एक गोली आकर कंधे में जा लगी थी। दर्द की परवाह के बगैर वे हाथ में बंदूक लिए तीसरे बंकर की तरफ बढ़े और दुश्मनों पर गोलियों की बरसात कर दी। एक और गोली आई और उनके पैरों में जा लगी। वे थोड़ा लड़खड़ाने लगे थे। लेफ्टिनेंट पांडे गोरखाली में चिल्लाए, ना छोड़ दू, यानी किसी को छोड़ना मत। उनके जवानों ने सुना तो पाकिस्तानियों का कत्लेआम तेज कर दिया। इधर लेफ्टिनेंट पांडे ने अपना जख्मी पैर घसीटते हुए ग्रेनेड की तरफ हाथ बढ़ाया और उस चौथे बंकर की तरफ उछाल दिया जहां से उन लोगों पर मोर्टार का हमला हो रहा था। जोरदार धमाका हुआ और चौथा बंकर तबाह हो गया, लेकिन उसी बंकर से निकली एक गोली लेफ्टिनेंट पांडे के माथे पर आकर लगी थी। उनके जहन में पीली रोशनी कौन गई। सर्द मौसम में भी वो बारूद की गंध और गर्माहट से गिर गए। पूरे बदन में भयानक दर्द उठने लगा और दिमाग में शोले जलने लगे। सांस अटकने लगी और प्यास से गला सूखने लग गया। लेकिन इस हालत में भी लेफ्टिनेंट पांडे की निगाहें बंकर से निकलकर भागते पाकिस्तानी फौजियों पर टिकी हुई थी। पांडे ने उनको खत्म करने के लिए गन की ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पर उनकी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। उनका शरीर अब उनका आदेश मानने से इनकार करने लगा था। अचानक उनके सिर में एक बिजली सी कौंधी और फिर शांति और घुप अंधेरा छाने लगा था। उस रोज बटालिक में उस चोटी पर उनकी जेब में लिखी डायरी में एक नोट लिखा हुआ मिला था। इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई स्वेयर आई विल किल डेथ। बस ये कहानी इतनी। हमारा सलाम देश के लिए शहीद होने वाले हर बहादुर, हर योद्धा को। नमस्कार।